रामनगरी से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जनसंकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। राजा भैया भी यूपी 2022 विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राजा भैया भी मंगलवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि में रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन कर अयोध्या से चुनावी शंखनाद किया है। कुंडा बेती राजभवन से आज राजा भैया के गाड़ियों के काफिले के साथ जनसंकल्प यात्रा निकाली गई, जहां प्रतापगढ़ से लेकर रामनगरी अयोध्या में राजा भैया का श्री रानी सती मंदिर मोतीनगर मसौदा पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष सिंह व भाई मधुबन सिंह की अगुवाई में पार्टी के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस तरह से इनका अयोध्या में कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं रामनगरी में दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए राजा भैया ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम सबके दिल में हैं। चुनाव पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां से मजबूत सीट होंगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, अभी किसी पार्टी से गठबंधन की कोई बात नहीं है। वहीं अयोध्या से चुनाव लड़े जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राजा भैया ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि जो किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, किसान तो खेतों में पसीना बहा रहा है। वहीं राजा भैया ने कहा कि जनसत्ता दल का गठन नवंबर 2018 में ही हुआ था, लेकिन पूरे प्रदेश व देश में कोविड की लहर थी, उस मंजर को आप सभी लोगों ने देखा है। अब ईश्वर की कृपा से कोविड का असर समाप्त हो चुका है। राजा भैया ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, उनकी राय जानने और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश में दौरे का आयोजन है, जिसका शुभारंभ भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर आज से शुरू हुआ है। और हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो उनकी देन। ये राय है कि जहां हम मजबूत स्थिति में हो वहीं लड़ा जाए, लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। जीतने की संभावना जहां हमको दिख रही है वहां पे लड़ना है। तो 100 ऐसी सीटें करीब अभी तक चिन्हित की गई हैं, तो अब आगे का देखा जाएगा। उसमें अगर 100 से अधिक भी संख्या हो तो लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे तो उनके सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो आप बात करेंगे तो हम ये भी स्पष्ट कर देंगे, जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं या पूरा देश देख रहा है इतने दिन से धरना प्रदर्शन, उनको हम असली किसान नहीं मानते। असली किसान खेत में पसीना बहा रहा है और काम कर रहा है, इसमें से हम भी हैं और आप भी शायद ग्रामीण भूमि भी होंगे, आपके भी पिताजी खेती किसानी ही करते हैं। क्योंकि चुनाव को नहीं कर रहे हैं, जनसत्ता दल का गठन नवंबर 2018 में हुआ था, उसके बाद पूरा प्रदेश, पूरा देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया कोविड के चपेट में आई, और वो सब मंजर, सारी चीज़ें आप सभी लोगों ने देखी हैं। अब ईश्वर की कृपा से कोविड का दुष्प्रभाव लगभग समाप्त है, तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, समर्थकों से मिलने, उनकी राय जानने, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश में दौड़े का आयोजन है। उसका शुभारंभ भगवान श्री राम के आशीर्वाद लेकर के, हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के आज से यहाँ से।